तो देखो, 24 मार्च 2020 को इंडिया में एक बॉम्ब गिरा था लॉकडाउन नाम का, जो शायद ही किसी को पता नहीं होगा। उसी लॉकडाउन के ऊपर एक मूवी बनी है, इंडिया लॉकडाउन, जो G5 पे रिलीज हुई है, और उसी मूवी के बारे में चर्चा करेंगे आज हम। और चर्चे में क्या करेंगे, यही करेंगे कि कोरोना के समय बच्चों को कई किस्से सुनाए दोस्ती के, और उसी कोरोना के समय वही दोस्त के घर जब जाता था मैं, वही दोस्त मुझे कहता था, क्या हाल है सबके, उम्मीद करता हूँ बड़े होंगे। मैं राहुल और आप देख रहे हैं आरडी एक्सेस व्यू। मूवी की बात करें तो मूवी और बेटर हो सकती थी, ऐसा मुझे फील हुआ, पर मूवी मेकर्स ने कुछ सोच के बनाई होगी मूवी, जिसका मैं पूरी रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मूवी और भी ज्यादा बेटर हो सकती थी। लॉकडाउन के ऊपर बहुत सारे पॉसिबिलिटी थे जिसको मूवी दिखा सकती थी, पर मूवी ने वैसा नहीं किया। और जिन चार लोगों की स्टोरी दिखाई गई मूवी में, उनकी जिंदगी कैसे जंड हो गई लॉकडाउन लगने पे, वो देखने में ठीक ठाक ही था, बस ये दोनों निभा निभियों को छोड़ के। बिना स्पॉइलर वाली स्टोरी की बात करें तो एक बुढ़ा आदमी है जो अकेले रहता है मुंबई में, उसको हैदराबाद जाना रहता है उसकी बेटी के डिलीवरी केस के लिए, और उसी समय लॉकडाउन लग जाती है। और दूसरी स्टोरी जिसकी दिखाई गई है वो है मुंबई में रेड लाइट एरिया की स्टोरी, जिसको इसके पीओवी से दिखाया गया है, पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। और दो निब्बा निब्बी जो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बहुत दुख है भाई। और लास्ट में एक गरीब फैमिली जो गाँव से शहर आया है कमाने के लिए, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है और लॉकडाउन लग जाती है, इन सब से बचने के लिए वो गाँव वापस जाना चाहता है, पर बस गाड़ी नहीं चलने के कारण वो पैदल जाने के सोचते हैं और पैदल ही निकल जाते हैं अपने गांव मुंबई से बिहार। बस बिना स्पॉइलर वाले स्टोरी खत्म। इन चार स्टोरी में से दो स्टोरी अच्छी लगी, बुढ़े वाले और गरीब फैमिली वाले जो पैदल मुंबई से बिहार जा रही थी, बाकी के दो स्टोरी मजा नहीं आया। रेड लाइट वाला और निब्बा निब्बियों की स्टोरी बहुत क्रिंज था सच में। और गरीब फैमिली की बात करें तो वो इमोशनली थोड़ी बहुत फील होता है, बुढ़े वाली स्टोरी और गरीब फैमिली वाली स्टोरी दोनों लास्ट में जाके कनेक्ट हो जाते हैं, तब थोड़ी बहुत अच्छा लगता है देखने में। रेड लाइट एरिया वाली स्टोरी ठरकियों के लिए था ऐसा मुझे फील हुआ, और वो दोनों निब्बा निब्बियों की स्टोरी बहुत हुआ यार के साथ में। ये गरीब फैमिली वाली स्टोरी और ये बुढ़े वाली स्टोरी को देखना चाहते हो तो देख लो, अच्छी है, देखने लायक है। बाकी ये दोनों को स्किप कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है देखने का इनका, इमोशनली जितना फील होना चाहिए नहीं होती ये दोनों स्टोरी को देख के। ओवरऑल मूवी की बात करें तो ठीक ठाक ही थी, ऐसे देखने का मन है तो देख लो, ये दोनों निब्बा निब्बियों को स्किप कर देना। मूवी ठीक ठाक थी, ज्यादा मजे नहीं थी, और जिंदगी में क्या चाहिए हमें, मजे ही तो चाहिए, जो कि ये मूवी से ज्यादा नहीं मिली। अब तुम पे डिपेंड करता है तुम देखोगे या नहीं, मन है तो देख लो, नहीं तो स्किप कर दो, दूसरा कुछ देख लो। बस आज के वीडियो में इतना ही, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 100 सब्सक्राइबर चाहिए साल खत्म होने तक, आप कर दोगे तो भगवान आपका भला करेगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।